हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ नेव बार यूजिंग अ HTML एंड CSS के ज़रिए हम नेव बार एक कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दिए और साथ में बेल के घंटे को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। मैं सबसे पहले एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ नेव बार के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ से अब मैं जाता हूँ VS कोड ओपन करता हूँ अपना। यहाँ फाइल में आके ओपन फोल्डर डेस्कटॉप पे जो अभी मैंने फोल्डर बनाया यहाँ पे शो हो रहा है, इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लेते हूँ। ठीक है, ये हमारा लोड हो चुका है फोल्डर। अब इसके अंदर मैं दो फाइलें बना लेता हूँ। ठीक है, एक मैं बना लेता हूँ navbar.html के नाम से और मैं एक फाइल बना लेता हूँ style.css के नाम से। ठीक है, अभी हमें काम जो करना है वो navbar.html की फाइल के अंदर करना है। सबसे पहले HTML का यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लेते हैं। शिफ्ट वन दबा के HTML का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट टाइटल इसका चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेव बार। ठीक है, तो बॉडी के टैग के अंदर आते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेव बार स्टार्ट और नेव बार एंड, और इसको मैं सेलेक्ट करके कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे ताकि हम जब दोबारा आए यहाँ पे तो हमें पता चल सके भाई यहाँ से हमारी नेव बार स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ मैं, बल्कि यहाँ से इसको हटाता हूँ। ये तो सारा ही कमेंट हो गया है, एक मिनट रुको, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ पर आ गए। अब इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और इसको यहाँ से कमेंट कर, और बीच में हम काम कर लेंगे अपना। सबसे पहले एक मैं डिव ले लेता हूँ। ठीक है, डिफ के अंदर मैं एक ले लेता हूँ UL ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। उसके अंदर हम मैं ले लेता हूँ LI। ठीक है, इसके अंदर हम लेंगे एंकर टैग, क्योंकि आपने लिस्ट जब भी देखी होगी वो क्लिकेबल होती है, यानी एंकर टैग के अंदर होती है वो। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ होम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका मैं नाम जल्दी जल्दी यहाँ से चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्रोडक्ट, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा गया मेरा ये कर्सर, यहाँ पे लिख लूँगा मैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारा HTML का जो काम था, बस ये इतना ही है। अब हम आ जाते हैं CSS की फाइल के अंदर। सबसे पहले हमें HTML CSS की फाइल को HTML की फाइल से लिंक कराना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं लिंक href के अंदर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, फाइल का नाम सजेस्ट कर रहा है ये, एंटर कर दें। ये लिंक हो चुकी है हमारी फाइल। ठीक है ना, अब हम चलते हैं CSS की फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे UL को टारगेट करूँगा। ठीक है, इसकी मैं मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन में 0 दे देता हूँ इसको। मार्जिन, ये मार्जिन मैंने इसको 0 दे दी,
पैडिंग भी इसको मैं यहाँ से 0 दे दूंगा। चले अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमने जो काम किया इसका रिज़ल्ट क्या बना है। ठीक है, मैं यहाँ से फोल्डर अपना ओपन करता हूँ और इसको मैं ओपन विद करता हूँ गूगल क्रोम। देखिए ये कुछ इस तरह से अभी आ रहा है, मगर हमें यूँ एक सिक्वेंस में चाहिए, एक ही लाइन के अंदर ही सब चाहिए। इसको कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसकी मैं दे देता हूँ लिस्ट, लिस्ट स्टाइल मैं नन कर देता हूँ इसको। ठीक है, और हाइट में दे देता हूँ इसको, हाइट में देता हूँ 36 पिक्सल हाइट दे देता हूँ। ठीक है, और लाइन हाइट जो मैं होती है लाइन हाइट भी इसकी मैं 36 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर इसका कैसा होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से रख लेते हैं ब्लैक रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। फॉन्ट फैमिली मर्ज़ी आपकी, अगर देना चाहे दें, नहीं देना चाहे कोई मसला नहीं। मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ भी मर्ज़ी आपकी, मैं फॉन्ट साइज़ यहाँ से 14 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके ज़रा आउटपुट देख लेते हैं हम। देखिए एक ब्लैक कलर की हमारा जो लाइन है वो आ चुकी है। अब हमें इन सब को इस लाइन में लेकर आना है। अब देखें ये कैसे लाते हैं हम। अब हम यहाँ से नीचे आएंगे और एल आई को टारगेट करेंगे। एल आई में हम लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट के अंदर लिख लेंगे हम लेफ्ट। ठीक है, और इसको बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर इसको हम दे देंगे राइट 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट जाके देखते हैं। देखें कुछ इस तरह से ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका और एडिटिंग हमें करनी है। अब हम एंकर टैग को टारगेट करते हैं। ठीक है, जिसकी हम प्रॉपर्टी दे देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे इसको। और इसकी पैडिंग जो है 28 और 0। ठीक है, पिक्सल 08 पिक्सल। और इसका हम जो कलर देंगे, कलर इसका होना चाहिए वाइट होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक पे वाइट ही विजिबल नज़र आएगा हमें। ठीक है, और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन मैं इसको यहाँ से नन ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखें कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे 0 ऐसे था और 28 ऐसे था। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब इसमें हम कुछ और एडिटिंग करते हैं। इसके हम नीचे आते हैं, हम इस पे होवर लगा सकते हैं। एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ होवर, ये नीचे आ गया होवर। इसके अंदर मैं लिख लूँगा बैकग्राउंड कलर आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा देना चाहें बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ से इसको ग्रीन दे देता हूँ। अब आप देखिएगा, ये देखें, अगर मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये ग्रीन हो रहा है खुद ब खुद। ये हमारा होवर से काम होता है, ये होवर लग गया इस पे। ठीक है, अगर जैसे हम होम पेज पे हैं तो होम पेज का ये एक्टिव रहना चाहिए। ये किस तरह करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी HTML की फ़ाइल में आते हैं और इसको यहाँ पे हम एक क्लास दे देता हूँ, इसको एक्टिव होम वाले पेज को क्लास में दे दी एक्टिव। अब स्टाइल वाली शीट के अंदर हम आते हैं, यहाँ एंटर करके डॉट डॉट क्लास को हम जब भी टारगेट करते हैं तो उसके साथ डॉट डॉट लिखना लाजमी होता है। एक्टिव एंकर टैग। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ
बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ मैं इसका। अब आप ये देखिएगा, ये ब्लू आ रहा है, और इस पर आप अगर जाना चाहें तो इस पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी नेव बार बन चुकी है, बहुत आसान थी इसकी कोडिंग। आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं, कितने बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग है, और कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।